बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआ से और प्यार से। अच्छा जी, तो आज मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले मेरे पास है कीमा, तकरीबन 1.5 पाव है। और इसके बाद हमारे पास चने की दाल है जो आधा पाव है, आधा पाव से भी कम ही है। और एक बड़ी प्याज है और एक लहसुन है, होल मतलब कंप्लीट पूरा। और इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा है साबुत, और 1.5 टेबलस्पून हमारे पास कुटी हुई मिर्चें हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये पोटली बनाने के लिए हमने इसमें लिया है साबुत धनिया। तो फिर अब इसको हम जो है इस सब को हम एक पैन में डाल के चढ़ाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी तो जनाब, यहाँ हमने सब कुछ जो कुछ हमारे पास था, कीमा, दाल, मसाले, पोटली वगैरह, तो ये सब डाल दिया मैंने। पोटली में जो धनिया डाला था साबुत धनिया, वो तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून था। अब हम इसमें डाल देंगे पानी और इसको फ्लेम ऑन कर देंगे। इसका ये तकरीबन 2 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी खुश्क हो जाए और कीमा और दाल वगैरह अच्छी तरह से पक जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो जनाब, यहाँ पर हमारा कबाब का मसाला हो गया है रेडी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, दाल गल चुकी है, कीमा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, और जो इसमें मैंने प्याज, लहसुन और वो जो धनिए की एक छोटी पोटली बना के डाली थी वो सब मैंने हटा दिया है। जब पानी खुश्क हो गया, जाहिर है उनका सब टेस्ट इसमें उतर चुका है। तो अब हम इस मसाले को जो है पीस लेंगे और कबाब की शेप दे देंगे। एक अंडा डालेंगे, प्याज डालेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। जी तो जनाब, यहाँ हमारा मसाला हमने पीस लिया, ये मैंने हाथ से पीसा है, और कीमा था तो इसलिए बहुत जल्दी पिसा गया, मसला नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुई, आराम से पिस गया। और इसके अलावा हमारे पास ये चार पाँच हरी मिर्च थी जो मैंने कट कर ली है, और एक छोटी प्याज मैंने कट कर ली है, और एक अंडा है। इन सबको हम आपस में कर लेंगे मिक्स, फिर आते हैं और उसकी टिकिया बना लेंगे हम। जी तो यहाँ पर हमने अंडा, प्याज, हरी मिर्च और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई थी, पुदीना। पुदीना भी मैंने जो है धोकर चॉप कर लिया, और हम इसको मिक्स करके टिक्कियाँ बना लेते हैं कबाब की। जी तो यहाँ पर हमारी कबाब की टिक्कियाँ बन चुकी, अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ कर लिया हमने हमारा रायता रेडी, बस इसको मिक्स करेंगे। हमने हरी मिर्चें, पुदीना वगैरह डालकर जो है पीस लिया है, और अब इसको हम यहाँ मिक्स कर लेंगे। नमक भी डाल दिया इसमें, अब ये हो गया है रेडी हमारा रायता। और यहाँ अब हम अपने कबाब को तल रहे हैं। जी तो जनाब, यहाँ हमारे कबाब हो गए हैं रेडी खाने के लिए, और ये रायता है और ये प्याज है। अब इसे हम खाएंगे, रोटी बनाएंगे, रोटी से खाएंगे, फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।